गाइस, क्या आप लोग ये सोचते हो जो वायरल वीडियो है उसमें से लड़की का कोई दोष हो सकता है? कोई दोष नहीं हो सकता है। ये 10 साल की लड़की अपने कोई मतलब तो उसका कोई खबर, दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं है, उसको सेक्स के बारे में उसको पता ही नहीं है। एक राक्षस उसके जिंदगी में आया और अपने शिकार करके चला गया। वो राक्षस तो बिंदास होके घूम रही है। अभी प्रॉब्लम है कि वो लड़की को हमेशा जितना सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा वो लड़की को ही करना पड़ेगा। अब दुनिया की बातें, दुनिया के ताने आप लोग तो जानते ही हो। बिन बाप की एक मासूम सी लड़की जिसके खेलने कूदने के टाइम पर उसके गोदी में बच्चा खेल रहा है, उसको तो दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। पता नहीं कौन से राक्षस को ये इतना घिलौना काम किया जिसके घर में कोई माँ बहन नहीं हो सकता है, वही आदमी ये इतने घिलौने काम कर सकता है। दुनिया में हम ऐसे दुनिया में जीते हैं जिसमें राक्षस हमेशा सहाड़ों तड़प अपने शिकार को ढूंढते रहता है। जब भी मौका मिलता है तब भी अपने शिकार करके चला जाता है। और जब भी हम कंप्लेन करते हैं सब लोग बोलते हैं, मतलब पुलिस में जाते हैं या फिर कोई कंप्लेन लेकर कोई पे जाते हैं, गांव में हो सकता है या फिर टाउन में हो सकता है, लोग बोलता है उसका सबूत लेके आओ। वो मासूम सी लड़की, उसको तो सेक्स के बारे में पता ही नहीं है, वो कहाँ से मतलब एविडेंस लेके आएगा, वो सबूत लेके आएगा? उसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है। और घर वाले शायद उसको घर से निकल दिया होगा क्योंकि उसकी गलती हो सकता है, ऐसे बोल के वो घर से निकल दिया होगा। अब ये फूल सी लड़की जिसने भी ये घिलौने हरकत किया है उसको ऊपर वाला ऐसा सजा दे जिंदगी भर याद रखे। मुझे तो इसको देख के ही आंखों में आंसू आने लगता है क्योंकि इस धरती में कोई लोग नहीं है, इस धरती में राक्षस ही राक्षस है। जब भी हम बाहर जाते हैं लड़की लोग, हमेशा कोई ना कोई राक्षस हमारे ऊपर नजर डालता है क्योंकि वो अपने शिकार को ढूंढते हुए नजर आता है। मुझे या फिर सबको भी ऐसे ही लगता है कि वो अपने शिकार ढूंढ रहा है। अगर कोई पर उसको मौका मिलेगा तो जरूर शिकार करते हुए चला जाएगा। इस दुनिया में हम राक्षस की दुनिया में जीते हैं और हमेशा हमें अलर्ट भी रहना है। गाइस, जिसके भी बेटी है वो अपने मतलब घर के रिलेटिव्स हो सकता है, उसका भी घर के रिलेटिव्स भी हो सकता है, कोई बुढ़ा आदमी भी हो सकता है, कोई टीनेजर बॉयज भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, घर के रिलेटिव्स भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आजकल के जमाने में हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, मतलब कोई भी वीडियो भी देखते हैं, कोई पर भी देखते हैं, बुढ़ा आदमी अपने भतीजे को रेप कर दिया या फिर कोई छोटा सा बच्चे को अपने रेप कर दिया, घर में कोई नहीं है। गाइस, आप लोग जिसका भी बेटी है आप लोग क्या करें, अकेला बेटी को हमेशा प्रोटेक्ट में रखना चाहिए, मतलब हमेशा स्कूल भेजने के समय भी उसके साथ, मतलब जितना दूर आप रह सकते हो उतना दूर उसके साथ जाओ और जितना भी आप लोग कोशिश भी करो बेटी के साथ हमेशा ध्यान रख के अपने जिंदगी में जीना चाहिए क्योंकि बेटी हमेशा घर के लक्ष्मी होती है। इस लक्ष्मी के ऊपर लोगों की नजर बनाया हुआ रहता है क्योंकि ये शिकार, ये मतलब शैतान आदमी आएगा अपने शिकार करके चला जाएगा। हम क्या करें इस शैतान की जिंदगी, मतलब ये शैतान की हम लोगों की जो शैतान की दुनिया है, हम इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मेरे सरकार से यही निवेदन है, आप लोग कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये जो लड़की वायरल लड़की 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो कि ये रेप हो कि एक बच्चा उसके गोदी में आया है, वो अब कहाँ जाने वाला है? वो तो उसका जिंदगी तो पूरी की तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उसके अभी स्कूल जाने की टाइम है, वो स्कूल जाने के टाइम में अपना बच्चे लेके इधर उधर भटक रही है, घूम रही है और लोग उसका मजाक भी उड़ा रहा है ना, लोग उसका मजाक भी उड़ा रहा है। और लोग तो सोच हम लोगों के अंदर दिमाग में कीड़ा घुस गया है, हम लोगों का सोसाइटी अच्छा नहीं है, बोलता होगा वो लड़की का ही कसूर है, सब लोग यही बोलता होगा वो ही लड़की का ही कसूर है।